Hello everyone, welcome to Current Affairs with G. Rajput YouTube channel. We have changed the name of the channel. Earlier it was Brainy IAS, but now the name is Current Affairs with G. Rajput. Now in today's class, I will be dealing with a very, very important topic. That is young blue hole. Now this is a very important topic. And the reason for that is it is related to one of the geomorphic feature. अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है इसको समझेंगे पहले इस क्लास में हम क्या कारण है इसका न्यूज़ में होने का सेकेंडली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये इस तरह की ब्लू जो होल ये होल्स हैं ये क्यों डेवलप होती हैं इनका डेवलप होने का क्या कारण है तो इसको पूरे को समझने के लिए हमें पहले इसका फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं ये ब्लू होल्स एंड अभी ये न्यूज़ में क्यों है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको देखिए 8000 साल पुराना कार्बन मिला है ठीक है ना किस में मिला है यंग ब्लू होल में ये यंग ब्लू होल कहाँ पे है आपको पता होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट खेलने आती है हिंदुस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम जहाँ पे मतलब जो आइलैंड्स हैं उनमें से एक आइलैंड है बेलीज आइलैंड उस आइलैंड के पास में जो ओशन है जो सी का रीजन है वहाँ पे यंग ब्लू होल है ना सबसे पहले तो हम ये वाला समझेंगे अभी इसमें कि ये यंग ब्लू होल्स बनती कैसे हैं ये ब्लू होल्स फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आइस एज को ना व्हाट इज आइस एज क्या होती है सी व्हेन इट कम्स टू द टेम्परेचर ऑफ अर्थ अर्थ के जो टेम्परेचर है इट क्लीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग अर्थ का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है अर्थ का टेम्परेचर बेसिकली चेंज होता रहता है कभी अर्थ पे वार्म एजेस आती हैं जब ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट या ग्रीन हाउस जो फिनोमेना है वो इंटेंस हो जाता है एंड कई बार अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है कम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं आइस एजेस जो पुराना आइस एज जो लेटेस्ट आइस एज था धरती के ऊपर लगभग 1 लाख साल पुराना है 1 लाख से लेके 11000 साल पुराना है ये लेटेस्ट आइस एज जब भी आइस एज आती है धरती पे वेन एवर देर विल बी आइस एज आने के बाद ओशंस में जितना पानी है उस पानी में बेसिकली कमी हो जाती है वाई क्योंकि उस पानी के बेसिकली क्या बन जाते हैं ज़्यादातर ग्लेशियर्स बन जाते हैं जब भी ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जब वार्म एज आएगा आइस एज के बाद वार्म एज जब आता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद समंदरों में जो पानी है ओशंस का जो पानी है वो बेसिकली उन समंदरों में पानी का लेवल बढ़ जाता है सो आइस एज इट इज द पीरियड ठीक है ना दैट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज ब्लू होल्स तो जितनी भी ब्लू होल्स हैं धरती के ऊपर बनी हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है आइस एज है नाउ ये ब्लू होल्स में ब्लू क्या है देखिए ये अगर हम ओशन मान लें ठीक है ना एंड ये सारा ओशन है अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ यहाँ पानी है अगर ये वाला यहाँ पे अगर इसको ब्लू कर लेते हैं दैट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ पे ये सारा पानी है यहाँ पे ठीक है एंड यहाँ पे ये तो मतलब बेस है ना ओशन का ये यहाँ वाला ये बेस है और ये वाला ये बेस है अगर इस रीजन को अगर हम देखें अगर यहाँ पे जो बेस है वो नीचे टूटा हुआ हो मतलब इसका डेप्थ ज़्यादा हो कुछ रीजन का तो पानी तो यहाँ पे भी जाएगा ना तो जब पानी यहाँ पे चला जाता है जो बेस का जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगा इन दैट केस अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो पानी का रंग ऊपर से लगेगा इट विल अपीयर एज डार्क ब्लू तो आसपास का जो पानी है वो पूरा डार्क नहीं रहेगा ये वाला जो पानी है ये ज़्यादा डार्क बेसिकली रहेगा तो उसी की वजह से ये होल है क्योंकि इसकी डेप्थ है ये होल बनती क्यों है वाई देखिए जब आइस एज होता है ना आइस एज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी पानी रिसीड हो जाएगा एंड जितने भी पत्थर हैं कुछ कुछ जगह पे वो पत्थर क्या करेंगे इरोड करना शुरू कर देते हैं इरोजन शुरू हो जाता है पानी का पानी आने की वजह से कुछ पत्थरों में इरोजन होगा कुछ पत्थर टूट जाएंगे टूटने की वजह से
वहां पे क्या बन जाएंगी, पहले होल्स बन जाएंगी। ब्लू होल बनने से पहले सबसे पहले क्या डेवलप होगा, एक होल डेवलप होगा। जब आइस एज से दोबारा वार्म एज में जाएंगे, पानी आ जाएगा उस रीजन में, तो वो पानी कहां पे भर जाएगा, होल में भी भर जाएगा, एंड दैट विल गिव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ जियोमॉर्फिक फीचर डेवलप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू होल्स। तो कहां कहां पे जनरली ये कहां कहां पे रहता है, जनरली क्योंकि पानी पूरे समंदर में तो नहीं जाएगा, जब भी आइस एज आएगा तो समंदर के जो कॉर्नर्स हैं वहां से पानी बेसिकली रिसीड हो जाएगा। तो जब वहां से पानी रिसीड होगा ना, तो समंदर के आसपास हमें बिल्कुल, मतलब क्या है, लैंड और ओशन जहां पे मिलते हैं वहां पे ब्लू होल होने का सबसे बड़ा क्या रहता है। तो यूपीएससी बेसिकली आपको क्या पूछ सकता है वो मैं बता देता हूँ। यंग ब्लू होल के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंस क्या है ब्लू होल्स का, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जीएस मेंस में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये पीपीटी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, जी राजपूत नाम है, जी राजपूत, तो वहाँ पे आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा था, देखिए ये डार्क लग रहा है ना, आपको डार्क ब्लू लग रहा होगा ये वाला, एंड इसके रिलेटिवली ये सारा क्या है, इट इज़ लाइट ब्लू। तो यहाँ पे जो इसका होल है, इसका जो बेस है, जो इसकी डेप्थ है इस रीजन की, वो ज़्यादा है। ये डेप्थ कब डेवलप हुई है, वो आइस एज में हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि रॉक ने, रॉक्स इनके इरोड कर गए होंगे। ज़्यादातर ये ब्लू होल्स कहाँ पे बनती हैं, जहाँ पे लाइमस्टोन टोपोग्राफी रहता है। कौन सा टोपोग्राफी, लाइमस्टोन टोपोग्राफी। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि दुनिया भर में जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी है ना, वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो उससे आपको बेसिकली क्या लग जाएगा, यू विल ऑल्सो गेट एन आई, क्योंकि प्रिलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रिलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जितनी भी ये ब्लू होल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे जनरली इजीली फॉर्म हो जाती हैं। लाइमस्टोन टोपोग्राफी जहाँ पे अभी रहेगा वहाँ पे इनका फॉर्मेशन बेसिकली इजी हो जाएगा, लाइमस्टोन टोपोग्राफी। देखिए जब हम इनकी डेप्थ में जाते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितना हम डेप्थ में जाएंगे, मैं आपको एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही, देखिए ये वाला इमेज है, ये बेसिकली किस तरह से दिखती हैं, मतलब इनका डेप्थ के नीचे किस तरह से दिखता है, ये देखिए, ये सारा लाइमस्टोन टोपोग्राफी में ये चीज़ डेवलप होती है। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट बोलते हैं। जब भी लाइमस्टोन की टोपोग्राफी से नीचे इस तरह से चीज़ जो नीचे आती है, लाइमस्टोन का ही चीज़ जब नीचे इस तरह से आता है, पत्थर ये होता है बेसिकली लाइमस्टोन का, जब ये रूफ से नीचे की तरफ आता है तो इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, टी आती है इसमें। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ लगे रहते हैं ये वाले, ये स्टेलेगमाइट होते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह के पत्थर लाइमस्टोन टोपोग्राफी वाले रीजन में, उसको स्टेलेगमाइट बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इनको स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। नीचे की तरफ इस तरह से टोपोग्राफी रहता है इनका, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है जितने भी ब्लू होल्स होंगे। देखिए ब्लू होल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इसमें इनमें ग्राउंड वाटर रहता है, ये ग्राउंड के स्पेलिंग यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है, दोनों तरह का पानी इसमें होगा, सी वाटर भी होगा एंड ग्राउंड वाटर भी होगा। ये सर्कुलर शेप में रहते हैं, इनकी स्टीप दीवारें रहती हैं इस तरह से, ऐसा नहीं है कि धीरे 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 इस तरह का दीवार नहीं रहेगा, एकदम से स्टीप दीवार रहेगा। वो देख लीजिए स्टीप है यहाँ पे, दिस इज स्टीपनेस, एकदम से जब चढ़ाई चढ़ जाती है उसको स्टीपनेस बोलते हैं बेसिकली। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो द वाटर सर्कुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा पुअर रहता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर शेप का रहते हैं। अभी यंग, अब ये जो ब्लू होल है, ये जो फाइंड हुई है, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो 300 मीटर ये वाइड है एंड 125 मीटर डीप है।
लगभग 300 फीट से ज्यादा इसका बेसिकली क्या है, डेप्थ इसकी है, डेप्थ इसकी है। तो यहां पे ऑक्सीजन लेवल मैं आपको बता रहा हूं कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन में नहीं, वो बेसिकली सल्फर टाइप ऑफ क्लाइमेट में, सल्फर टाइप क्लाइमेट में बेसिकली वो रहते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या सिर्फ ये जो ब्लू होल फाइंड की गई है, क्या ये सिर्फ वहीं पे है? द आंसर इज नो। बहुत जगह पे ये आपको बेसिकली ब्लू होल्स मिल जाती है। कहाँ कहाँ पे आपको ये ब्लू होल्स मिल जाती हैं वो मैं आपको दोबारा से फिर बताना चाहता हूँ, जरा देखते रहिए। देखिए ये ब्लू होल्स दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे बेसिकली, प्रोमिनेंट वाला आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कहाँ कहाँ पे प्रोमिनेंट फाइंड की जाती है। साउथ चाइना सी में है एक, तो जिसको ड्रैगन होल बोलते हैं। ये कितना डीप है? 300 मीटर्स डीप है। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। ग्रेट ब्लू होल है बेलीज में, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। डीन्स ब्लू होल है बहामास में है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, रेड सी इजिप्ट के पास भी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट ब्लू होल्स। वही चीज बता रखी है यहाँ पे भी, ठीक है। जो ब्लू होल है कैसे मतलब बनती, किस तरह से आइस एज में बेसिकली बनता है, विदरिंग की वजह से। तो जब भी ब्लू होल बनती है ना, वहां पे जो पानी है, एक तो खारा पानी भी रहेगा एंड सॉल्ट वाटर भी रहेगा। तो दिस इज अगेन समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी ब्लू होल्स होंगी वहां में फ्रेश वाटर भी अवेलेबल रहेगा एंड सॉल्ट वाटर भी अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाता है एंड जो पत्थर है वहां के उनमें क्रोजन होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली होल बनना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग तरह का वहां पे लाइफ फॉर्म किस तरह का रहता है ब्लू होल्स में, नॉर्मल तरह का लाइफ फॉर्म नहीं रहेगा। रीजन फॉर दैट इज, सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो अलग तरह का स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहां पे मिलता है। ज्यादातर जो भी यहां पे जीव जंतु रहते हैं, दे आर एक्चुअली सर्वाइविंग ऑन सल्फर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड। क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, टोटोवाइज भी यहाँ पे मिलते हैं, बट इनका जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग तरह का रहता है नॉर्मल टोटोवाइज एंड क्रोकोडाइल से। अभी यहाँ पे जाना कितना मुश्किल है, कितने लोग यहाँ पे बेसिकली ट्राई करते रहते हैं। अभी लाइक मैंने आपको बताया कि 8,000 साल पुराना बेसिकली कोल मिला है। तो एक्सपीडिशंस 2009 में भी एक्सपीडिशन गया था यहाँ पे, जो ग्रेट ब्लू होल है जो बेलीज में है, 2018 में भी गया है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक जो इजिप्ट के पास ब्लू होल है, तो वहां पे भी लोग जो हैं, जो डाइवर्स हैं, जो नीचे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्स बोलते हैं। तो डाइवर्स नीचे जंप करके बेसिकली ये देखते रहते हैं किस तरह के मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स नीचे बेसिकली मिलते हैं। सो दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक फीचर्स, जियोमॉर्फिक फीचर है ये, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों फॉर्म हुआ वो मैंने आपको समझा दिया, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो आपको समझा दिया, आइस एज का क्या रोल है फॉर्मेशन में वो मैंने आपको बता दिया। आपको कोई भी डाउट हो इसमें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ब्रेनी आईएएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आप हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे आंसर्स मैं खुद इवेल्युएट करता हूँ यूपीएससी के। अगर आपको ये क्लास पसंद आया है इसको शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आप कोई चाहते हैं कि आपके मन में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं क्लास बनाऊँ, तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर के ऊपर, मैं आपके लिए क्लास बना दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।